अबूबकर सिद्दीक। आज मैं बनाऊंगा अरबी का बघारा शेरवा। चलिए अरबी के शेरवे के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं बतलाता हूँ। इसे हर जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर अरबी बोलते हैं इसे। और ये देखिए लाल लाल टमाटर, प्याज, इमली के बजाय मैं आमचूर डालूँगा। कैरी भी डाल सकते हैं आप लोग खट्टी। देखिए गार्डन में आ चुका हूँ मैं। अब इसमें से थोड़ा मैं करिया पाक तोड़ लूँगा। ये देखिए थोड़ी सी कोथमीर भी तोड़ लूँगा मैं। यहाँ पर है ये देखिए कोथमीर। ये देखिए यहाँ पर से मैं हरी मिर्च तोड़ लूंगा। ये देखिए अब मैं प्याज और टमाटर काट लूंगा। ऐसे ही कर कर मैं प्याज और टमाटर को काट कर रख लूँगा। प्याज और टमाटर को मैं अच्छे से धोकर काट लिया हूँ। ये देखिए अब बनाना शुरू करते हैं। पहले तो मैं प्याज में कोथमीर काट कर डालूँगा। अब इसमें डालूंगा मैं नमक 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच डालूंगा मैं, आधा चम्मच हल्दी। अब थोड़ा सा पानी डालूंगा मैं। अब इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगा। अब इस पर मैं टमाटर कटे हुए डालकर बिछा दूंगा। हिलाना नहीं है टमाटर को। अब इसे मैं चूल्हे पर चढ़ा दूंगा। कम से कम 6 से 8 सीटियां बजने तक रखिए आप लोग। प्याज और टमाटर गल जाने चाहिए। जब तक प्याज और टमाटर गलते हैं मैं अरवी को छील लेता हूँ। ये देखिए ये देखिए छोटे छोटे पीसेस बना लिया हूँ मैं अरवी के। अब इसे मैं अच्छे से धो लेता हूँ।
अब इसमें डालूंगा मैं नमक एक चम्मच। अब इसे मैं चमचे से हिला लेता हूँ, हाथ मत डालिएगा, नमक का पानी है, हाथ खो जाएगा। देखिए आठ सीटी हो चुकी है, और ये देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, इसे मैं भून रहा हूँ। अब इसमें डालूंगा मैं अरवी जो मैंने काट कर अच्छे से धो लिया था। माशाल्लाह ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब इसमें डालूंगा मैं आमचूर सूखे हुए। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। थोड़ा सा पानी डाल लूंगा इसमें मैं। अब इसे मैं अरवी गलने तक कुकर का ढक्कन लगा कर रख दूंगा। ये देखिए अरवी अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा पानी। अब चाहे तो ग्रेवी भी बना सकते हैं या शोरबा। अब इसमें डालूंगा मैं करिया पाक, कोतमीर, हरी मिर्च। इसे मैं अब दम पे रख दूंगा। ये देखिए माशाल्लाह अरवी का शोरबा बनकर तैयार है। आप इसे रोटी से या चावल से खा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। सलाम वालेकुम।